आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। जी हां, विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत भड़गांव सहित पूरे अंचल में मतदाता सुबह 8 बजे से ही अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। वहीं मतदान में सभी वर्गों के लोगों ने काफी उत्साह दिखाया, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे हो व्यापारी या हो दिव्यांग, सभी ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए मतदान किया। वहीं लोगों ने अपनी अपनी निजी कार्यों को छोड़कर सुबह 8 बजे से ही घंटों लाइनों में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जैसे ही बारी आई, मतदान करने अंदर पहुंचकर अपना मतदान किया। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली, जिसके चलते मतदान करने में कुछ समय तक बाधित रहा, जिसे समय रहते निर्वाचन अधिकारियों द्वारा तत्काल नया ईवीएम व्यवस्था कर मतदान प्रारंभ किया गया। यह मतदान केंद्र में वोटिंग क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ सर 197 वोट डला है। हाँ। उसके बाद ईटीएम खराब हो गया के अधिकारी लोग बता रहे हैं और पूरे जनता सब अपने अपने घर वापस गए हैं और कुछ लोगों के अंगूठी में निशान भी हो गए हैं और वो बैठे हैं और कुछ लोग चले गए हैं। अभी अधिकारी कड़ा है क्या? हाँ, अधिकारी से मैं पूछा हूँ तो अधिकारी बोले ईटीएम खराब, वो मशीन खराब है बता रहे हैं। कितने देर हो गया लगभग? लगभग वही 30-35 मिनट के लगभग हो रहा है। 30-35 मिनट मशीन थोड़ा आधा घंटा पहले खराब हो गया। आधा घंटा पहले से खराब? आधा घंटा हुआ। कोई अधिकारी आए? आया है, बनाने आया तो है। कितने लोग मतदान कर चुके थे? करीबन 185 लोग का मतदान हो गया। अच्छा, ये कौन सा मतदान केंद्र है? ये नावपारा। नावपारा ना। मतदान में सुरक्षा व्यवस्था का भी कड़ी इंतजाम किया गया था। बिलाईगढ़ विधानसभा में 75% मतदान सफल हुआ है। बिलाईगढ़ से RNN News के लिए चीफ एडिटर राजू निराला की रिपोर्ट।